अच्छा स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक, वेलकम। एक ऐसी फिल्म जिसमें तीन बेहतरीन एक्टर्स ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर साथ आए। एक ऐसी फिल्म जिसने दिखाया कि दोस्ती के मायने उम्र के साथ बदल जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने सबको रोड ट्रिप के गोल्स दे दिए। एक ऐसी फिल्म जिसके बाद नौकरी और पैसे के पीछे भागने वाले दोस्तों ने भी वेकेशन लेना शुरू कर दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने स्पेन का टूरिज्म बढ़ा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने ये बता दिया कि एक दूसरे को टमाटर फेंक के मारना फेस्टिवल भी हो सकता है। एक ऐसी फिल्म जिसने जोया अख्तर का दर्जा ऊंचा कर दिया। एक ऐसी फिल्म जिस पर जोक मार मार के अभिषेक उपमन्यु फेमस हो गए। एक ऐसी फिल्म जिसके मीम्स आज तक इंटरनेट पर फेमस है कि किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। और फाइनली एक ऐसी फिल्म जो कल्ट क्लासिक बन गई है। जी हाँ, सही गेस कर लिया आपने, इतने हिंट दे दिए, अब भी ना कर पाओ तो बॉडम कहलाओगे। हेलो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात कर रहे हैं हम। 12 साल पहले आई ये फिल्म आज तक हजारों लोगों की फेवरेट है। एक ऐसी फिल्म जो कि क्रिटिक्स को भी पसंद आई, कमर्शियल सक्सेस भी बनी और आज तक लोग उसको बार बार देखना पसंद करते हैं। जिन महानुभावों ने अभी तक नहीं देखी उनको बता दूं कि तीन दोस्तों की कहानी है ये फिल्म। अभय देओल, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर जो अपनी बिजी जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर स्पेन जाते हैं और 3 हफ्ते की रोड ट्रिप करते हैं। अब क्योंकि इस फिल्म का फैन बेस इतना बड़ा है, इसीलिए 2-3 दिन पहले जब फरहान अख्तर ने अपने इंस्टा पर एक फोटो शेयर करी तो इंटरनेट पर तहलका मच गया। फोटो में फरहान अख्तर ने अपनी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले किरदार इमरान के लुक में वो नजर आए। उन्होंने फोटो डालकर कैप्शन लिखा कि क्या लड़कों को एक और ट्रिप पर निकलना चाहिए क्या। फरहान खाली कैप्शन लिखकर भी छोड़ देते तो भी हल्ला मच जाना था, लेकिन आग में घी का काम कर दिया ऋतिक रोशन ने, जिन्होंने फोटो के कैप्शन में लेट्स गो लिख दिया। फरहान के दूसरे पार्टनर अभय देओल ने भी लिखा कि मेरे बैग तो 2012 से पैक है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और फिर फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर ने भी इस ट्रिप को ग्रीन सिग्नल दे दिया और लिखा कि माई बैगवती इज पैक्ड। जिन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है उन्हें बैगवती का रेफरेंस तो पता ही होगा। अब क्योंकि डायरेक्टर और तीनों लीड एक्टर एक साथ ही पोस्ट के नीचे एक ही फिल्म के लिए इतने तैयार हैं तो फिर जनता का एक्साइटेड होना तो बनता है। और लोगों ने इसी फिल्म की एक मीम का रेफरेंस देकर यह भी बोल दिया कि हमारी उम्मीद बढ़ाकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना बनाना इज नॉट फनी। आपको क्या लगता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 बनाने की प्लानिंग हो रही है क्या, या फिर खाली सोशल मीडिया पर फरहान अख्तर को इंटरेक्शन लेना था। वैसे अगर बन रही है तो फिर इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो फिल्म में ही लोगों की ट्रिप देखकर खुश हो जाने वाली जनता है कि नहीं। हमारी गोवा ट्रिप भले ही 10 साल से पेंडिंग हो, लेकिन फरहान, अभय और ऋतिक ट्रिप पर निकल जाएं तो उनको देखकर कम से कम हम भी अपनी प्लानिंग तो कर ही लेते हैं कि यार स्पेन जाना है कि नहीं। फिर होता है ये कि पहले हमारी गोवा की ट्रिप कैंसिल हो रही होती है, फिर स्पेन की भी कैंसिल हो जाती है। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की सीक्वल के लिए एक्साइटेड है, तो आपका जवाब क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपसे मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ, ओनली ऑन स्क्रीन वाला। चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी और आप किन चीजों का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल निकलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर, ओनली ऑन स्क्रीन वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।